गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सेंटेंसेज ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। विशिष्ट संरचना वाले वाक्य उनका हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं उसके विषय में जानकारी दी जाए, यानी ऐसे वाक्य जो विभिन्न प्रकार के निर्मित होते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी रचनाएं होती हैं, उनका अनुवाद कैसे करते हैं। तो 74 नंबर का पहला वीडियो है, उसे मुझको फोन करना पड़ा, उसे मुझको फोन करना पड़ा, ही हैड टू रिंग मी, उसे मुझको फोन करना पड़ा, ही हैज टू रिंग मी। दूसरा है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और जाना है, आई हैव अनदर एंगेजमेंट, I have another engagement, अथवा I have to go somewhere else, I have to go somewhere else, ये दोनों ठीक है, मुझे कहीं और जाना है। पहला ट्रांसलेशन हुआ I have another engagement, अथवा I have to go somewhere else। नंबर तीन, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, व्हाट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का कौन सा दिन इज इट टुडे। नंबर चार, साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम है, साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम है, The handwheel, पिछला पहिया, the handwheel of cycle needs pumping, the handwheel, पिछला पहिया of the cycle needs pumping, साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम है, यानी साइकिल का पिछला पावा पहिया हवा की आवश्यकता है। The handwheel आप दी साइकिल नीड्स पंपिंग। सर्वदा अपने वचन के पक्के रहो, सर्वदा या सदैव अपने वचन के पक्के रहो, ऑलवेज रिमेन ट्रू टू योर वर्ड, अपने शब्द का, अपने वादे का, अपने पक्के का, ऑलवेज रिमेन ट्रू, सदैव सच्चा बने रहो, किस लिए, टू योर वर्ड, अपने वादे का। उसका सिर चकरा रहा था, ही वॉज फीलिंग गीडी, गीडी चकराना, उसका सिर चकरा रहा था, ही वॉज फीलिंग गीडी, चाहे आकाश साफ हो या घिरा हुआ, चाहे आकाश साफ हो या घिरा हुआ हो, हमें अवश्य जाना है, चाहे आकाश साफ हो या घिरा हुआ हो, मतलब बादलों से घिरा हुआ हो, हमें अवश्य जाना है। इट मे बी फेयर आर क्लाउडी बट वी मस्ट गो, इट मे बी फेयर आर क्लाउडी, साफ हो सकता है या बादल वाला हो सकता है, वी मस्ट गो बट वी मस्ट गो। अठवा, चाहे कुछ हो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ हो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, उसी को आप दूसरे तरह से कह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कम वाट में आए जो आना है, होए जो होना है, आई कैन नॉट लीव हिम, मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। फिर समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ हो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में, आई कैन नॉट लीव हिम।
नंबर 9, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। आई एम ए बिट इंडिस्पोज्ड टूडे। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। आई एम ए बिट थोड़ा सा कुछ इंडिस्पोज्ड टूडे। दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया। दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया। ही स्टूड बाई मी, वह मेरे बगल में खड़ा रहा। ही स्टूड बाई मी इन वील एंड ओ वील सुख ओ दुख। दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया। ही स्टूड बाई मी इन वील एंड ओ। मेरे पैर में कांटा चुभ गया। मेरे पांव में या मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। आई हैव रन ए थॉर्न इनटू माय फुट। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। आई हैव रन ए थॉर्न इनटू माय फुट। अनाज का बाजार तेजी पर है। अनाज का बाजार तेजी पर है। ग्रेन मार्केट इज लुकिंग अप। अनाज का बाजार तेजी पर है। ग्रेन मार्केट इज लुकिंग अप। कीमतें पुनः चढ़ रही हैं। कीमतें पुनः चढ़ रही हैं। प्राइसेस आर अगेन शूटिंग अप। कीमतें पुनः चढ़ रही हैं। प्राइसेज आर अगेन शूटिंग अप, ऊपर जा रहे हैं। 14, 14 आजकल सभी रेलगाड़ियां भरी रहती हैं। आजकल सभी रेलगाड़ियां भरी रहती हैं। ऑल द ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड। All the trains are overcrowded nowadays इन दिनों आजकल। All the trains सभी रेलगाड़ियां are overcrowded अति भरी रहती हैं nowadays। 15, चलने की तो बात ही क्या, वह ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। चलने की तो बात ही क्या, वह ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। Not to speak of walking, he cannot even sit properly. Not to speak of walking, चलने की तो बात ही नहीं। He cannot even sit properly. चलने की तो बात ही क्या, वह ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। Not to speak of walking, he cannot even sit properly. Note, modern English में Not to speak का प्रयोग अच्छा नहीं समझा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में not to speak का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। रेन और नेस्फेल्ड दोनों ने what to speak को शुद्ध माना है।
रेन और नेसफील्ड दोनों विद्वान हैं, इन्होंने व्हाट टू स्पीक को शुद्ध माना है। नॉट टू स्पीक मतलब कहा जा रहा है कि आधुनिक अंग्रेजी के अंतर्गत व्हाट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में व्हाट टू स्पीक का प्रयोग अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन रेन और नेसफील्ड दोनों ने व्हाट टू स्पीक को शुद्ध माना है। 16वां, चाहे मैं मर जाऊं पर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मैं मर जाऊं पर झूठ नहीं बोलूंगा। आई वुड रैदर डाई देन टेल ए लाई, आई वुड रैदर डाई देन टेल ए लाई। 4 घंटे हुए, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चली गई, 4 घंटे हुए रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चली गई। The train left the platform four hours ago। उसके तमाम शरीर में दर्द है। There is pain all over his body। इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं है। For all your wealth, you are not satisfied। मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुमसे दुखी हूँ। Keep out of my sight। I am tired of you। धनी बनने में बहुत समय लगता है। It takes a lot of time to be rich। इस तरह से आपने विभिन्न संरचना वाले विशिष्ट प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।